नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे JSSC पंचायत सचिव रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, जो आप लोगों का बहुत ही लंबा इंतज़ार था, और दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैं 4 से 5 लड़के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ऑफिस गया था। तो दोस्तों, उनके भी बारे में बात करूँगा और मैं कुछ पिक भी दिखाऊँगा आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। जैसा कि साथियों आपको पता होगा, JSSC पंचायत सचिव जो बहाली जीत, सबसे पहली बहाली यही थी फ्रेंड्स, जो अभी तक कंप्लीट नहीं कराई गई है JSSC के अनुसार। इसके बाद की जो जैसे बहाली है, रेडियो पुलिस, इंडिया रिजर्व बटालियन और राजस्व कर्मचारी दरोगा, जो इनकी बहाली भी हो गई है, और JSSC जो पंचायत सचिव जो फंस गई है, जो इनमें स्टे लगी है, दोस्तों कब तक हटने की उम्मीद है, तो इन्हीं पे आज हम बात करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखा दे रहा हूं। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग 4 से 5 लड़के दोस्तों ऑफिस आए हुए थे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची, जो नामकुम में स्थित है। तो आप देख सकते हैं, हम लोग 4 से 5 लड़के आए हुए थे, तो आप देख ले। और ये जो ऑफिस की बाहर से दोस्तों मैंने फ़ोटो ली थी, सेल्फी। तो मैंने इस वीडियो सेल्फी लाने का क्या कारण था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और ऑफिस में क्या कही गई, तो उनके अनुसार मैं दोस्तों आपको बात बताऊंगा। तो आप यूट्यूब वीडियो पर बने रहे। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल घंटी को दबा दें। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए साथियों, मैं आपको तो जैसे कि दोस्तों हमारे जो फ्रेंड्स सब जो थे 5 से 6 लड़के, 4 से 5 लड़के जैसे हम लोग गए थे, और तो हम लोग 2 लड़के को ऑफिस के अंदर ले जाया गया। तो जैसा कि दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि मैं एक खुद यूट्यूब चैनल के साथ साथ मैं खुद पंचायत सचिव का छात्र हूँ दोस्तों। मुझे बहुत इस बहाली में दोस्तों लंबा इंतज़ार करना पड़ता है रिजल्ट के लिए, जो बहुत ही विलम्ब हो चुकी है समय के अनुसार। और मैं आपको पहले भी इस वीडियो में बता दिया गया था, पिछले वीडियो में दोस्तों, मैं किस डिस्ट्रिक्ट से हूँ और किस ज़िले से अप्लाई की थी, और अपना मार्क्स भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का यह तात्पर्य है कि मैं खुद यूट्यूब चैनल के साथ साथ मैं पंचायत सचिव का छात्र भी हूँ, आपको पता होना चाहिए। और हम लोगों दोस्तों सभी लड़के को, ये नहीं सभी लड़के, वो दोस्तों झारखंड में पंचायत सचिव के छात्र के हम लोग को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार दोस्तों ऑफिस में घेराव भी किया गया, तो बहुत लड़कों ने सिर्फ जो रांची क्षेत्र के जो लड़के लोग थे, सिर्फ वहीं के लड़के लोग पहुंचते थे, और जो अदर स्टेट के हैं और जो अदर ज़िले के भी, वो नहीं आते थे दोस्तों। हम लोग को साथ में संघर्ष करना होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि स्टे लगी हुई है, तो जैसे कि हमारे फ्रेंड्स गए थे ऑफिस में चलकर, तो उन्हें जो बताया गया, फ्रेंड्स मुख्य सचिव द्वारा, जो हमारे जो मुख्य सचिव हैं, जो मेधु जो बड़ाई द्वारा बताया गया, जैसा कि हमारे फ्रेंड्स मुझे बताया, तो मैं उन्हीं के अनुसार आपको बता रहा हूं। वो बताया गया कि कोर्ट के आदेश अनुसार बहाली में, सभी बहाली में जो अभी जो रिजल्ट है उनमें स्टे लगी हुई है, जैसे कि पंचायत सचिव हाई स्कूल भी स्टे लगी हुई, जब तक कि आपको पता होगा कि 4 नवंबर का इनका रिजल्ट आना है दोस्तों। सोनी कुमारी वर्सेस जो हाई स्कूल जो केस लगी, तो इनमें भी असर है, तो इनमें आपको पता होगा कि स्टे लगी हुई है। तो जब तक दोस्तों कोर्ट के आदेश अनुसार नहीं आ जाता, तो JSSC कुछ भी नहीं कर सकती। तो JSSC का कहना है कि जैसे ही स्टे हटेगी, आपको रिजल्ट पब्लिश सेट कुछ दिनों में कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों का कुछ दिन धैर्य रखना होगा 4 नवंबर तक। अगर 4 तारीख को सुनवाई नहीं भी हुई, तो दोस्तों ये जो बेंचर है, ये सप्ताह में 2 से 3 डेट मिल ही जाते हैं, तो दोस्तों इनकी सुनवाई जल्द हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी फैसला 4 नवंबर को आ ही जाएगी, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि ये जो बेंच में जो आखिरी बेंच जो है, इनमें डेट जो दोस्तों 2 से 3 दिन, 2 दिन में इनकी डेट मिलती ही मिलती है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टे लगी हुई है, जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आती है, JSSC कुछ भी नहीं कर सकती। तो
तो फ्रेंड्स हम लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा और हम लोग को चलना चाहिए कार्मिक विभाग के पास, वहीं पर जो होगा फैसला दबाव मनाया जाएगा। तो हम लोग को एकजुटता होने की ज़रूरत है। अब फ्रेंड्स आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करें कि कब चलना है और आप लोग किस ज़िले से हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में बना दिया जाएगा, जैसा कि बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप बाहर जैसे कि दूर ज़िले से आप लोग साहेबगंज पाकुड़ जो दूर दूर ज़िले से हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और साथियों मैं दोस्तों गौर से दुआ करूँगा कि हम लोग का रिज़ल्ट में कोई भी लफड़ा शूटिंग ना हो और रिज़ल्ट जल्द से जल्द आने की उम्मीद में अभी तक हम लोग दोस्तों इंतज़ार कर रहे हैं, जल्द से जल्द रिज़ल्ट आए। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जब तक एस्टे नहीं हटेगी तब तक रिज़ल्ट नहीं आएगी और हम लोगों का कुछ दिन और 4 नवंबर तक वेट करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो को हमारी पसंद नहीं आई होगी तो वीडियो को डिसलाइक करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।